हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसवी स्मार्ट हाइब्रिड कम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। केमिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट ये काफ़ी बेटा इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमने एक बार डिस्कस किया था क्लास में भी, तो बेटा हम इसका वीडियो भी दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम ना हो, कहीं भी डाउट्स हो तो फिर आप हमें नेक्स्ट डे क्लास में आप डिस्कस करेंगे हमसे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, आइए हम बच्चों डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये बेटा हम आ गए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हो गया बच्चों ऑर्डर ऑफ। बच्चों हम आज डिस्कस करेंगे रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए बच्चों करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चों हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या रेट लॉ एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो बेटा हम इसे डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं इसे, इट इज़ हम बच्चों डिफाइंड हम कैसे करते हैं बच्चों, यहाँ लिखते हैं कि इट इज़ क्या है बच्चों, डिफाइंड एज क्या होता है बेटा, हम लिखेंगे द सम ऑफ, क्या लिखेंगे बच्चों, द सम ऑफ पावर्स, द सम ऑफ पावर्स of the concentration, of the concentration, sum of power of the concentration, तो the sum of powers of concentration of the reactants in the rate law, क्या हो गया बच्चों, of the बच्चों हम यहाँ पर कहेंगे of the reactants, of the बच्चों हो गया ये reactants बेटा in the rate law, rate law हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, in the रेट ला हाँ एक्सप्रेशंस, ठीक है बच्चों। तो रेट ला हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में, डिस्कस किया था आपसे, इज कॉल्ड बच्चों क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या होता है बेटा ऑर्डर ऑफ, बच्चों हम इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ बेटा रिएक्शन, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कहा, डिस्कस किया क्या कि ये होता क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ध्यान रखिए इसको बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ द पावर्स, ध्यान रखिएगा, सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन, क्या है बेटा ऑफ द कंसंट्रेशन, ये ध्यान रखना है आपको, ऑफ द रिएक्टेंट्स जो रेट ला का है, रेट ला एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो हमने रेट ला अभी पिछली क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन रेट ला एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। चलिए इसे डिस्कस करते हैं बच्चों, हम कैसे इसे डिटरमाइन करते हैं बच्चों, इट इज डिटरमाइंड बाय द एक्सपेरिमेंट, हमने बोला था ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमेशा क्या करते हैं बच्चों, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। तो बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे कि इट इज क्या कहेंगे बच्चों, इट इज कहेंगे बच्चों डिटरमाइंड, क्या कहेंगे बेटा, इट इज डिटरमाइंड हम कहेंगे बेटा एक्सपेरिमेंटली, हम इसे हमेशा क्या करेंगे बच्चों, एक्सपेरिमेंटली हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, ठीक है ना। इट इज डिटरमाइंड कैसे बच्चों, एक्सपेरिमेंट बाय एक्सपेरिमेंट, सॉरी यहाँ बेटा लिखेंगे इट इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है बेटा, जैसे हमने लिया बेटा ए हो गया बच्चों, अब बच्चों ये बेटा बी हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों प्रोडक्ट, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया बच्चों प्रोडक्ट, ये आपका हो गया प्रोडक्ट। अब बच्चों इसे हम रेट लॉ के फॉर्म में लिखेंगे, तो हम जब रेट लिखेंगे, मान लीजिए हमने रेट ले लिया, ठीक है, अब मान लीजिए हमने कंसंट्रेशन बच्चों क्या ले लिया बेटा, हमने ले लिया ए, अब बेटा ये हमने ले लिया यहाँ बी, ए बेटा रेट ला एक्सपेरिमेंट है, तो हमने क्या ले लिया बेटा यहाँ पे, तो बच्चों ये होता है बेटा यहाँ पे अल्फा लेंगे बेटा पावर, यहाँ बच्चों हम लेंगे बीटा, ठीक है बेटा। अब बच्चों हमने कहा था कि ये जो यही जो होता है पावर, ये बेटा पावर होता है, ये जो बेटा दोनों पावर है अल्फा और बीटा, ये क्या होता है बच्चों सम, क्या होता है सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इसी को इसी से बच्चों हम क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ बेटा रिएक्शन निकालते हैं। तो बेटा हम यहाँ पे इसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बच्चों इसे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ, बच्चों ये हो जाएगा बेटा रिएक्शन, क्या होगा बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बच्चों इसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एन से, ध्यान रखिएगा एन से, ये क्या होगा बेटा ये सम पावर का बेटा सम, ठीक है बच्चों, ये एक कंसंट्रेशन है बच्चों, बी कंसंट्रेशन है, तो बेटा इसका हम दोनों का बेटा क्या लेंगे अल्फा और बीटा, यही बेटा मेन हमें दोनों को सम करना है, जिससे कि क्या होता है बच्चों हम क्या निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये पता है आपको अच्छे से कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा क्या होता है, हम एक्सपेरिमेंटली बच्चों डिटरमाइन करते हैं।
तो बेटा ये हो जाएगा अल्फा आप प्लस हो जाएगा बेटा ये आपका बीटा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं बेटा एन इज इक्वल टू अल्फा आ प्लस बीटा, यानी बेटा हम इसे क्या करते हैं बच्चों ऑर्डर आ बेटा रिएक्शन बेटा हम क्या करते हैं बच्चों निकालते हैं, ठीक है बच्चों। अब बेटा ये अल्फा क्या होगा बेटा, हम अल्फा की बात करेंगे तो बच्चों अल्फा जो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं कि अल्फा, इस अल्फा की बात करें बेटा ये अल्फा है बेटा ये अल्फा, तो बच्चा अल्फा क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चों, ये ऑर्डर ऑफ बच्चा रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट क्या है बच्चों, हम कहेंगे बेटा ये ए है, क्या है बेटा विथ रिस्पेक्ट ए है, ठीक है। इसी तरह बच्चों हम बीटा की बात करेंगे, बीटा क्या होता है बच्चों, ये होता है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बेटा होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट बच्चों ये क्या होगा बेटा, ये होता है बच्चों बी के, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों हमने ये कहा कि जो ऑर्डर ऑफ बेटा रिएक्शन होता है वो बच्चों ये कह सकते हैं बेटा, हम तो हमेशा एक्सपेरिमेंटली बच्चों हम लोग डिटरमाइन करते हैं, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकली नहीं, ठीक है बच्चों। तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है बेटा वो होता है बच्चों पॉजिटिव होता है, वो बच्चों जीरो होता है बेटा, या बच्चों क्या होता है जीरो, ये होता है बेटा नेगेटिव, और ये बच्चों क्या होता है बेटा फ्रैक्शनल, क्या होता है बच्चों ये होता है बेटा फ्रैक्शनल, ठीक है ना, ये ऑर्डर डिटरमाइन, ठीक है ना बच्चों। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हम बात बेटा क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ बेटा रिएक्शन जो होता है वो होता है बच्चों पॉजिटिव होता है बेटा, वो बच्चों होता है जीरो भी होता है बेटा, वो बच्चों नेगेटिव भी होता है बच्चों, अब वो बच्चों हम कहेंगे कि फ्रैक्शनल भी होता है। अब बच्चों हमने बोला था ना कि ऑर्डर ऑफ डिटरमाइंड क्या करते हैं हम एक्सपेरिमेंटली, तो बेटा हम यहाँ इस पॉइंट को भी यहाँ लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ऑर्डर बेटा हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ लिखेंगे ऑर्डर डिटरमाइंड बच्चों, ऑर्डर को क्या करेंगे बच्चों यहाँ डिटरमाइंड करेंगे, डिटरमाइंड क्या करेंगे बच्चों एक्सपेरिमेंटली, क्या करेंगे बच्चों एक्सपेरिमेंटली बच्चों हम डिटरमाइंड करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो ऑर्डर को क्या करेंगे बच्चों हम क्या डिटरमाइंड करेंगे बच्चों एक्सपेरिमेंटली बेटा हम यहाँ पे डिटरमाइंड करेंगे, ठीक है। अब आते हैं बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हम बात करते हैं बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितने टाइप्स के ऑर्डर होते हैं बच्चों, तो बेटा हम पहले डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर बच्चों रिएक्शन, जीरो ऑर्डर बच्चों हम बात करेंगे रिएक्शन की बेटा, हम यहाँ पे बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेटा हम कहते हैं कि ये क्या होता है बच्चों, जो भी जीरो ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं वो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेटा, वो कंसंट्रेशन के ऊपर बच्चों क्या करता है डिपेंडेंट नहीं होता है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हम बात करते हैं बेटा जीरो ऑर्डर बेटा रिएक्शन की बच्चों, यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है बच्चों, ये हमने बोला था आपसे कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इनडिपेंडेंट, क्या कहेंगे बेटा हम बच्चों यहाँ पे कहेंगे कि जो रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है बेटा वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पे लिखते हैं हम इसको डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ द बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन, क्या लिखेंगे बच्चों रेट ऑफ द रिएक्शन इज इनडिपेंडेंट, क्या होता है बच्चों इज इंडिपेंडेंट, ये होता है बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, ऑफ द कंसंट्रेशन बेटा कंसंट्रेशन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि बार बार यूज होगा तो इसे आप समझिएगा कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स, ठीक है बच्चों। तो एक कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जैसे बच्चों हमने ले लिया ए लिया बेटा, ये बच्चों हमने ले लिया बेटा क्या हो गया बच्चों प्रोडक्ट हो गया बच्चों, ठीक है। ये बेटा हमने रेट निकालना होगा बच्चों, तो रेट ला हम लगाएंगे ही, रेट ला क्या होता है बच्चों ये हो गया सीधे सीधे बेटा ये के कांस्टेंट हो गया बच्चों, यहाँ बेटा हमने लिया कंसंट ये रिएक्टेंट है बेटा ये, है ना, ये बेटा हमने लिया और इस पर बेटा क्या है जीरो, जब डिपेंडेंट नहीं करेगा तो क्या करेगा जीरो, ये जीरो का मतलब क्या होगा कि कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा था बेटा, हम जीरो साइन को यहाँ ऐसे इंडिकेट करेंगे कि जीरो साइन यहाँ पे ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है बच्चों जीरो साइन ये इंडिकेट करता है कि नो चेंज इन कंसंट्रेशन, क्या कहता है बच्चों नो चेंज इन बेटा कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चों ये नो चेंज इन बेटा कंसंट्रेशन बताता है, ठीक है बच्चों। अब जरा बेटा एग्जांपल्स ले लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, ये तो बेटा हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेशन किया है, अब बेटा हम आते हैं यहाँ पे ऑल, हम यहाँ पे बच्चों इसका एग्जांपल लेते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं बच्चों जीरो ऑर्डर्स के होते हैं, बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऑल बच्चों लिखेंगे फोटो
आप बच्चों लिखेंगे केमिकल, बच्चों हम लिखेंगे रिएक्शन। क्या होते हैं रिएक्शन? इज क्या होते हैं बच्चों? जीरो ऑर्डर के बेटा होते हैं। किस ऑर्डर के हम होते हैं? जीरो ऑर्डर के होते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे बच्चों हमने ले लिया बेटा हाइड्रोजन ले लिया, जैसे बच्चों हमने बेटा एक क्लोरीन ले लिया बेटा, और डार्कनेस में बच्चों क्या करते हैं रिएक्शन बेटा कराते हैं, तो इसमें कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बच्चों ये नहीं होता। डार्कनेस कराते हैं बेटा तो कोई भी बच्चों ये प्रोडक्ट बेटा ये आपका ये नहीं बनता है, ठीक है ना, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। यानी कहेंगे नो रिएक्शन, नहीं नो प्रोडक्ट, या कहेंगे यहाँ पे कहेंगे यहाँ लिख सकते हैं कि नो रिएक्शन। क्या हो रहा है बच्चों? कोई भी प्रोडक्ट बेटा यहाँ पे नहीं बनता है, नो रिएक्शन ही नहीं होता है, ठीक है। अब बच्चों इसी तरह बेटा हम हाइड्रोजन लेंगे बच्चों, अब बच्चों यहाँ Cl2 लेंगे बेटा, किसकी प्रेजेंस में बच्चों? ये बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में लेंगे। किसकी प्रेजेंस में बच्चे लेंगे? ये बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये हो जाएगा बच्चों 2HClK। तो बच्चों हमने लिया है बेटा यहाँ पे, मान लीजिए बच्चों हमने क्या ले लिया बेटा, ये हमने ले लिया बच्चों 2NH3 लिया बेटा। अब बच्चों ये हमने एग्जांपल एक और लिया हमने, यहाँ बच्चों किसकी प्रेजेंस में बच्चों? प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या होता है बच्चों? ये बेटा कैटालिसिस होता है, ये बच्चे बन गए नाइट्रोजन, ये हो गया बेटा 3G। कैटालिसिस आप तो जानते हैं कि बेटा क्या होता है, उसका रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, वो क्या करता है इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड को बेटा बच्चों बढ़ाता है, ठीक है बेटा। इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं कि डीकम्पोजिशन। ये क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे? ये कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे ये बेटा ये है, ये दूसरा है बेटा, और ये बेटा ये से है। यहाँ बेटा हम क्या कर रहे हैं बेटा? डीकम्पोजिशन। ये क्या हो रहा है बच्चों? डीकम्पोजिशन आप क्या हो रहा है बच्चों? अमोनिया। डीकम्पोजिशन आप क्या हो रहा है बच्चों? ये हो रहा है बेटा अमोनिया एट द सरफेस ऑफ मेटल। क्या हो रहा है बच्चों? एट द सरफेस ऑफ क्या हो रहा है बेटा? मेटल प्लेटिनियम। क्या हो रहा है बच्चों? मेटल, ये हो रहा है बच्चों प्लेटिनियम के, है ना बच्चों? प्लेटिनियम के, ठीक है बेटा। तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेट हम क्या करेंगे बच्चों? ये बेटा हम यहाँ पर ऐसे ले लेंगे dx/dt, जो हमने पिछले लेक्चर में बच्चों किए थे। ये बेटा हो जाएगा के, ये बेटा हो गया अमोनिया, यहाँ बच्चों हो गया इसका जीरो ऑर्डर। तो बच्चों रेट इज इक्वल टू ये हो गया सीधे सीधे के। तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों हो गया जीरो, ठीक है। अब आते हैं बेटा, हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे बच्चों? आज हम बात करेंगे बेटा, फिर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा फर्स्ट ऑर्डर बच्चों ये क्या होते हैं बच्चों? रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर बेटा रिएक्शंस क्या होते हैं, इस पर हम बच्चों डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम आज बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आपके क्या होते हैं? तो बच्चों हम आज बात कर रहे हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर बेटा किसकी रिएक्शन की बेटा हम बात कर रहे हैं। तो ये बेटा हो गया फर्स्ट ऑर्डर TION, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर बेटा यही हो गया आपका बेटा फर्स्ट ऑर्डर बच्चों हो गया ये रिएक्शन की, ठीक है। अब बच्चों ये क्या कह रहा है? द रिएक्शन इन विच द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल अल्टरनेट चेंज। इसे बेटा क्या हो रहा है? वन मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? अल्टरनेट चेंज हो रहा है बच्चों। इसे क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस करेंगे और फिर बच्चों इसके एग्जांपल्स लेके चलेंगे। तो बेटा पहले हम डिफाइन करते हैं कि द रिएक्शन क्या होता है बच्चों। इसको बेटा ये हो जाएगा द रिएक्शन। क्या हो गया बच्चों? ये होगा द रिएक्शन इन विच, क्या हो गया बच्चों? इन विच क्या होता है बच्चों? द मोलर कंसंट्रेशन। क्या होता है बच्चों? ये द मोलर, अब बच्चों ये होता है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल। आप बच्चों क्या कहेंगे? आप ओनली वन मॉलिक्यूल, इस बात को ध्यान रखना है। आप ओनली वन मॉलिक्यूल बेटा क्या हो रहा है? अल्टरनेट बच्चों हम कह सकते हैं बेटा, अल्टरनेट क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे चेंज हो रहा है अल्टरनेट, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अल्टरनेट चेंज इज कॉल्ड बच्चों क्या कहेंगे यहाँ पे? इज कॉल्ड बेटा हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा हमने ये कहा आपसे, क्या कहा? कि द रिएक्शन इन विच, बच्चे ये ध्यान रखना है बेटा, हमने कहा द रिएक्शन इन विच द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन, ये देखना है आपको, ओनली वन मॉलिक्यूल। ओनली क्या है बेटा? वन मॉलिक्यूल, ओनली वन मॉलिक्यूल क्या हो रहा है बच्चों? अल्टरनेट क्या हो रहा है बेटा? चेंज, ओनली वन मॉलिक्यूल अल्टरनेट चेंज, इट्स कॉल्ड बेटा क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
तो बच्चों हम क्या करते हैं बेटा, अब आते हैं बेटा, ये हमने कहा कि ओनली वन मॉलिक्यूल क्या करते हैं बच्चों, चेंज होते हैं द रिएक्शन इन विच द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल अल्टरनेट बेटा चेंज होते हैं, तो इन्हें क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बच्चों हम इसमें क्या करेंगे बेटा, हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस करेंगे बेटा, हम यहाँ पे क्या करेंगे मैथमेटिकल बच्चों, हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम इसकी बात करेंगे किसकी, एक्सप्रेशन की। तो चलिए बच्चों हम मैथमेटिकल बेटा, हम यहाँ बेटा एक्सप्रेशन बेटा हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, जैसे कि बच्चों हमने लिया बेटा, हमने लिया बेटा ए, क्या लिया बेटा ए, ये क्या बेटा आपका बेटा क्या हो गया बच्चों, ये हो जाएगा बेटा प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा बच्चों, ये बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी बात करेंगे बेटा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ बच्चों हम लेंगे बेटा रेट, क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पे बेटा हम लेंगे यहाँ पे रेट। तो बेटा ये रेट क्या हो रहा है बच्चों, बेटा रेट ले लिया बेटा, हमने रेट ला लिया बेटा, ये हो गया के। अब बच्चों हमने ये रिएक्टेंट लिया, क्या बच्चों हमने लिया बेटा ये रिएक्टेंट, ये हो जाएगा बच्चों पावर वन। तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा बेटा यहाँ पे बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा बच्चों यहाँ होगा बच्चों वन, क्या होगा बेटा वन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अब बच्चों हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, यहाँ पे एग्जांपल बच्चों हमने ले लिया जैसे कि 2N2O5 है डाइनाइट्रोजन पेंटोक्साइड। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने ले लिया बच्चों 2N2O4, अब बच्चों हमने ले लिया O2, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर रेट इक्वेशन क्या होगा, अगर देखा जाए तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि रेट इक्वेशन क्या होगा बेटो बच्चों, फॉर बेटा लिखेंगे फॉर दिस रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये बच्चों सीधे हो जाएगा रिएक्शन इज क्या होगा बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे रेट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सीधे हो जाएगा रेट, ये हो जाएगा बच्चों N2, ये हो गया बेटा O5, अब बेटा होगा ये 1, तो ये बेटा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बच्चों रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा 1 देखने में तो बेटा। लेकिन हमें बच्चों ध्यान रखना है इस स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर में बच्चा हम बच्चों हम देखते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे हमें जो भी एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड करने हैं वो बच्चों एक्सपेरिमेंटली करने हैं बेटा। तो बेटा ये आप ये बेटा क्या स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका बेटा कोई भी लेना देना हमारे इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना बच्चों। तो बेटा हमने क्यों हमें पावर बेटा क्या लेना है, हमें एक्सपेरिमेंटली डिसाइड करना है। तो चलिए बच्चों ये बेटा जो रिएक्शन होता है हमने बेटा लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, ये बेटा रिएक्शन जो कंप्लीट होता है 2 स्टेप में। तो बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे कि बेटा ये जो रिएक्शन क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ बेटा कहेंगे जो रिएक्शन बेटा हो रहा है ये कंप्लीट कितने में हो रहा है बच्चों, इन 2 स्टेप्स में, कितने स्टेप्स में बच्चों, ये बेटा हो रहा है 2 स्टेप्स में बच्चों, ये क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है, ये रिएक्शन बेटा 2 स्टेप में बच्चा कंप्लीट हो रहा है बच्चों, ठीक है। जैसे बच्चों लिए हमने डाइनाइट्रोजन पेंटोक्साइड N2O5 बच्चों, पहले बेटा जो क्या होता है बेटा रिएक्शन स्लो होता है, क्या होता है बच्चों स्लो होता है बेटा, उसके बाद बच्चों ये बन जाएगा बेटा N2O4 प्लस बच्चों बन गया ये आपका, ठीक है बेटा। फिर बेटा हमने लिया सेकेंड स्टेप में, ये बेटा जो होता है N2O5 प्लस बेटा हमने लिया ऑक्सीजन, यहाँ बच्चों ये क्या होता है रिएक्शन बेटा, ये फास्टली होता है, ये क्या होता है बच्चों, ये रिएक्शन बेटा बहुत ही फास्ट होता है ना बेटा। तो ये बच्चों बन जाएगा डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 बेटा प्लस बेटा ये ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों हम बात करते हैं बेटा, ये आपने बेटा समझ लिया, अब बात करते हैं बच्चों रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बच्चों हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, हम बेटा बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस की। तो चलिए बच्चों आज हम बात कर रहे हैं ये सेकेंड बेटा, हम बात करेंगे ऑर्डर बेटा, हम बात करेंगे रिएक्शन की, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपने बच्चों यहाँ देख लिया बच्चों, हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को बेटा हमने डिफाइन भी किया, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन भी किया बच्चों, है ना बेटा। ये देखिए बेटा हमने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को बच्चों हमने ये बेटा डिफाइन भी किया बेटा यहाँ पे, ये बच्चों डिफाइन भी किया हमने बच्चों, फिर बेटा हमने यहाँ मैथमेटिकली एक्सप्रेशन भी किया बच्चों, ये बेटा फिर हमने एग्जाम्पल्स भी लिया, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब आते हैं बच्चों यहाँ पे, हम बात करते हैं बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को भी बच्चों हमने नीचे तरह किया बेटा, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिया बेटा, रेट रिएक्टेंट्स लिया बच्चों, मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस भी किया, अब बच्चों फिर बेटा हमने ये एग्जांपल्स लिया, ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बच्चों बात करते हैं। तो बच्चों ये रिएक्शन क्या करता है, कहता है बच्चा 2 रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, चेंज होते हैं इसमें, इसमें क्या होते हैं बच्चों 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, द रिएक्शन इन विच द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स केमिकल चेंज।
तो बच्चों इसमें टू रिएक्टिंग रिएक्टेंट जो होते हैं इसमें क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स उसके बच्चों केमिकली चेंज होते हैं, उसे बच्चों कहते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे बच्चों जरा डिफाइन करते हैं बेटा, यहाँ पे बेटा डिफाइन करेंगे तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं द, क्या कहेंगे बच्चों द रिएक्शन क्या होता है बच्चों, द रिएक्शन इन विच, क्या कहेंगे बच्चों द रिएक्शन बेटा लिखेंगे इन विच द मोलर कंसंट्रेशन, क्या लिखेंगे बच्चों द हो जाएगा बेटा ये मोलर, अब बच्चों ये हो जाएगा बेटा कंसंट्रेशन, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल, क्या बच्चों कहेंगे ऑफ बच्चों यहाँ पे कहेंगे टू, अब बेटा यहाँ पे कहेंगे बच्चों रिएक्टेंट, अब बच्चों ये क्या होते हैं बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स केमिकली बेटा क्या होते हैं बच्चों ये चेंज होते हैं, क्या होते हैं बच्चों केमिकली बेटा क्या होते हैं ये बच्चों ये चेंज होते हैं, इज कॉल्ड बेटा हम क्या कहेंगे इसे कहेंगे बच्चों इज कॉल्ड ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या कहेंगे बच्चों सेकेंड ऑर्डर ऑफ बेटा ये क्या होता है बच्चों रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ बच्चा ये क्या होगा बेटा ये हम कहेंगे रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो हमने ये कहा कि ये क्या होता है बच्चों द रिएक्शन इन विच, क्या होंगे बच्चों द रिएक्शन इन विच मोलर कंसंट्रेशन आप बेटा क्या है बेटा टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इसको बच्चों ध्यान रखना है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, केमिकली क्या हो रहे हैं बच्चों चेंज हो रहे हैं, है ना बच्चों, इस कॉल्ड क्या कह सकते हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ सेकेंड ऑर्डर है बेटा ये बेटा रिएक्शन हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमने अभी देखा था फर्स्ट ऑर्डर में कितने हो रहे हैं वन मॉलिक्यूल हो रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर में बेटा क्या हो रहे हैं वन मॉलिक्यूल हो रहे हैं ओनली वन मॉलिक्यूल बेटा, जीरो ऑर्डर में क्या है जीरो ऑर्डर में तो सीधे क्या है कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं चेंज हो रहा है बच्चों, ठीक है। अब आते हैं बेटा हम इसमें बात कर रहे हैं कि इसमें टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं बच्चों बेटा अल्टरनेट बेटा क्या हो रहे हैं केमिकली चेंज हो रहे हैं। तो चलिए बच्चों जरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आते हैं बेटा, तो हम कह सकते हैं बच्चों मैथमेटिकल क्या कहेंगे बच्चों एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल बच्चों हम इसकी बात करेंगे कुछ कुछ बच्चों ये होता है बेटा ये एक्सप्रेशन की, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम यहाँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं बेटा, तो जैसे बच्चों हमने क्या क्या कहा कह रहा क्या है बच्चों डिफिनेशन में कि टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यहाँ क्या हो रहे हैं बच्चों यहाँ बेटा क्या हो रहे हैं बेटा ये टू रिएक्टेंट, एक मिनट बच्चों यहाँ बच्चों लिखेंगे टू बेटा ये हो जाएंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यहाँ बच्चों क्या है टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, है ना बेटा। तो बच्चों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमने क्या किया यहाँ बच्चों लेते हैं बेटा ए अब प्लस बच्चों हमने बेटा लिया ए, ये बच्चों बन गया क्या बेटा आपका बन गया यहाँ पे क्या बन गया बच्चों ये हो गया प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लिया। तो बच्चों रेट ऑफ इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे मैथमेटिकली, तो रेट ऑफ इक्वेशन बच्चों सीधे यहाँ पे हो जाएगा रेट ऑफ बेटा इक्वेशन इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा के आप बेटा ए हो गया बेटा ये पावर बेटा हो जाएगा आपका टू। तो ऑर्डर ऑफ बच्चों रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑर्डर ऑफ बेटा रिएक्शन की हम यहाँ बात करेंगे तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे टू, ठीक है बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा टू हो गया। अब आइए बच्चों जरा एग्जांपल लेते हैं बेटा, हमने एग्जांपल ले लिया जैसे बच्चों हमने लिया एच टू बेटा, हमने लिया एच टू बेटा ये गैसेस प्रोडक्ट है फर्स्ट एग्जांपल लिया बेटा। दूसरा बच्चों हमने ले लिया बच्चों आयोडीन, ये बच्चों हो गैसियस, ये बेटा क्या हो गया आपका बच्चों ये हो गया बेटा टू एच और आई के, क्या हो गया बेटा टू एच आई के। तो रेट ऑफ इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन क्या होगा बच्चों रेट ऑफ इक्वेशन, अब बच्चों हमने लिया के यहाँ बच्चों हमने ले लिया एस टू वन पावर लिया बच्चों आई टू बेटा हमने ले लिया वन पावर, तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों क्या होगा यहाँ पे, तो बेटा हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ बच्चों ये रिएक्शन हो जाएगा क्या होगा बेटा वन प्लस वन इज इक्वल टू बेटा हो गया ये टू के, क्या हो जाएगा बच्चों टू के, ठीक है। अब आते हैं बच्चों इसी तरह हम बेटा यहाँ पे बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा टू हो गया। अब बच्चों हम लेते हैं बच्चों दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा सेकंड एग्जांपल बेटा ये कि बेटा हमने ये लिया एनओ, ये भी बच्चों गैस है, ये बच्चों हमने लिया ओ थ्री, ये भी गैस ओजोन बेटा, ये बन गया बच्चों एन ओ टू, ये बच्चे गैसेस फॉर्म में बेटा, ये बेटा आपके ऑक्सीजन है, ये भी गैस हो गया। तो बच्चों यहाँ भी जो रेट ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा सीधे सीधे आप देख लीजिए बच्चों यहाँ पे हो जाएगा रेट ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू बच्चों रेट ला ये हो गया बेटा एनओ बच्चों ये ले लेंगे बेटा वन पावर हो जाएगा बच्चों एक्सपेरिमेंटली लेना है बच्चों डिसाइड करना है, ये बेटा ओजोन हो गया बेटा वन लिया, तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा यहाँ पे क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा बच्चा बच्चों ये हो जाएगा बेटा वन प्लस वन इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा टू के, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा क्या हो गया यहाँ पे टू।
अब बात करते हैं बच्चों थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे बेटा? अब हम बात करेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे बच्चों? थर्ड ऑर्डर बच्चों हम रिएक्शन की हम यहाँ पे बात करेंगे। थर्ड ऑर्डर ये हो गया बेटा, यहाँ पे हम रिएक्शन की यहाँ पे बच्चों बात करेंगे। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ना ये बेटा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब ये कह रहा है द रिएक्शन इन विच द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ थ्री रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अल्टरनेट बच्चों क्या होते हैं, केमिकली चेंज होते हैं, इज कॉल्ड बेटा कहेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। इसमें बच्चों क्या होते हैं, थ्री मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों अल्टरनेट बेटा क्या होते हैं, चेंज होते हैं। चलिए बेटा यहाँ पे कहेंगे कि द रिएक्शन, क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ कहेंगे बच्चों द रिएक्शन इन विच, क्या कहेंगे, इन बच्चों कहेंगे विच, इन विच द मोलर कंसंट्रेशन, इन विच द मोलर क्या है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ थ्री रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, ऑफ बेटा हम कहेंगे ऑफ थ्री बच्चों यहाँ पे कहेंगे रिएक्टेंट, अब बच्चों ये कहेंगे बेटा मॉलिक्यूल्स। द रिएक्शन इन विच द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ थ्री रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अल्टरनेट बेटा क्या हो रहे हैं, हम बच्चों यहाँ पे क्या कहेंगे अल्टरनेट बेटा केमिकल बच्चों क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों केमिकल बच्चों ये चेंज हो रहा है, इज कॉल्ड बेटा हम इसे कहेंगे क्या कहेंगे बच्चों थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस, क्या कहेंगे बच्चों इसे कहेंगे बेटा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे बच्चों, यहाँ कहेंगे बच्चों थर्ड ऑर्डर बेटा हम यहाँ पर कहेंगे थर्ड ऑर्डर बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे रिएक्शन की, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है बच्चों। अब बेटा हमने किया लिया बेटा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बच्चों, अब ये है बच्चों यहाँ पे हमने ले लिया बेटा, ये हमने लिया थ्री है बेटा, ये बच्चों ए, अब बेटा यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये हो गया बेटा आपका ये है प्रोडक्ट, क्या है बच्चों प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। अब बेटा रेट ऑफ रिएक्शन बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ बच्चों, तो बेटा हम यहाँ पे ये बेटा देखिए रिएक्टेंट हमने थ्री लिया है, थ्री रिएक्टेंट्स बेटा क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, तो बच्चों ये रेट ऑफ बेटा ये क्या हो रहा है बच्चों रिएक्शन, तो बेटा हम रेट ऑफ बेटा रिएक्शन की बात करेंगे, ये बच्चों हो जाएगा के, अब बच्चों ए है बेटा और ये बच्चों ये थ्री के, ठीक है बेटा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों क्या होगा यहाँ पे बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों हम लिखेंगे विल भी क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये बच्चों हो जाएगा आपका सीधे सीधे थ्री, क्योंकि पावर का ही सम है यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब एग्जांपल बच्चों ले लेते हैं यहाँ पे बेटा, हमने एग्जांपल ले लिया बच्चों, जैसे हमने ले लिया क्या है बच्चों, जैसे हमने ले लिया बेटा टू एफ ई बेटा, हमने ले लिया सी एल थ्री, यह बच्चों हमने ले लिया सिक्स के आई, यह बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे टू एफ ई आई टू, ये बच्चों हो जाएगा प्लस सिक्स के सी एल, ये हो जाएगा बच्चों आई टू के, तो ये बेटा जो रेट ऑफ ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन बेटा इसका भी उसी तरह हो जाएगा बेटा, ये रेट ऑफ बच्चों रिएक्शन क्या होगा बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों, के हो गया बच्चों ये हो जाएगा बेटा एफ ई सी एल थ्री, ये बच्चों हो गया वन, आप बच्चों ये हो जाएगा के आई का बेटा हो गया ये होल स्क्वायर, के आई का बेटा ये होल स्क्वायर, तो यहाँ बच्चों हम क्या बात करेंगे बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल भी क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल भी बच्चों यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों वन प्लस टू, तो ये हो जाएगा बेटा थ्री के, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, ये रिएक्शन हो गया बेटा थर्ड ऑर्डर ऑफ बच्चों क्या हम बोलेंगे ये बेटा हो गया ये रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों हम बात करते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस की, अब बात करते हैं बच्चों किसकी फ्रैक्शनल ऑर्डर बेटा, अब आते हैं बच्चों यहाँ पे बात करते हैं किसकी फ्रैक्शनल ऑर्डर की, फ्रैक्शनल बेटा ऑर्डर रिएक्शन की यहाँ पे हम बच्चों बात करते हैं फ्रैक्शन ऑर्डर बेटा रिएक्शन, अब बच्चों ये क्या होते हैं बच्चों फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन बच्चों, यहाँ पे हम कर सकते हैं जैसे बेटा हमने ले लिया सी ओ है ना बच्चों, ये बच्चों हमने ले लिया बेटा सी एल टू, ये हो गया बच्चों सी ओ, ये हो गया बेटा यहाँ पे सी एल टू की हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बेटा रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, रेट हो जाएगा के, ये हो गया बच्चों सी ओ, ये हो गया बच्चों टू, ये हो गया बच्चों सी एल, ये हो गया बेटा यहाँ पे किसके बेटा हाफ के, तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम होता ही है, सीधे यहाँ निकाल लेंगे ऑर्डर ऑफ बेटा रिएक्शन हो गया ये बच्चों सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन, तो बेटा टू आप प्लस बाई वन बाई टू, तो ये हो गया बेटा फाइव बाई टू, इतने बच्चों फ्रैक्शन ऑर्डर है बेटा ये क्या हो गया बच्चों रिएक्शन हो गया। अब बच्चों हम बात करते हैं बेटा सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं बच्चों, सूडो ऑर्डर ऑफ बेटा रिएक्शन किसकी बात करते हैं बच्चों,
सूडो, ये बेटा इम्पॉर्टेंट है, ये बच्चों हम बात करते हैं सूडो। अब बेटा हम किसकी बात करते हैं बच्चों, ऑर्डर, ऑर्डर। अब बेटा ऑफ हम किसकी बात करते हैं, रिएक्शंस की। सूडो ऑर्डर आप बेटा क्या है बच्चों, ये बेटा ये रिएक्शन है, ठीक है ना बच्चों, सूडो ऑर्डर आप बेटा रिएक्शन है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेटा हमेशा आपका ये पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। ये बेटा कहता है द रिएक्शन विच अपीयर्स टू बी हायर ऑर्डर ऑफ, बट एक्चुअली क्या करता है, बिहेव एज ए किस की तरह करता है बच्चों, लो ऑर्डर, या कर सकते हैं बच्चों एज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह क्या करता है बच्चों, ये बिहेव करता है ना। तो बच्चों हम इसे कैसे बेटा डिफाइन करेंगे, मतलब ये कहने का मतलब है सूडो द रिएक्शन इन विच अपीयर्स, ये हायर ऑर्डर तो शो करता है लेकिन बट एक्चुअली में क्या बिहेव करता है, लो ऑर्डर की तरह। तो बच्चों ये इसी तरह बच्चों हम इसको डिसाइड करते हैं, इसको बच्चों डिस्कशन कर रहे हैं, इस पर हम कैसे करेंगे। चलिए बेटा ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, जरा पहले कर लें। तो ये होगा बेटा, हम कहेंगे द रिएक्शन, फिर बच्चों आपको समझाते हैं, ये है बेटा द रिएक्शन विच अपीयर्स, क्या कर रहा है बच्चों, द रिएक्शन विच बेटा क्या कर रहा है, ये अपीयर्स क्या कर रहा है बच्चों, अपीयर्स टू बी हायर, क्या कर रहा है बच्चों, टू बी बच्चों यहाँ कर रहा है बेटा हायर है ना, ऑर्डर, हायर ऑर्डर है ना बेटा, बट एक्चुअली भी है बच्चे किसी की तरह करता है बच्चों, बट बच्चों हम यहाँ कहेंगे एक्चुअली, एक्चुअली क्या करता है बच्चों, बिहेव एज किसकी तरह करता है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर, किसकी तरह बच्चों करता है, ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह ये बच्चों बिहेव करता है, फर्स्ट ऑर्डर कॉल्ड क्या कहेंगे बच्चों, इसे कहेंगे बेटा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या कहेंगे बच्चों, सूडो बेटा कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर बेटा, इसे कहेंगे ये रिएक्शन, ठीक है बेटा। बच्चों हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं बेटा यहाँ पे बताना चाह रहे हैं बच्चों, ये जो रिएक्शन होता है दिस इज यूजली हम कह सकते, इसे बेटा हम कह सकते हैं कि दिस इज क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ कहेंगे बच्चों दिस इज क्या कहेंगे बेटा, यहाँ यूजली इस पॉइंट को बेटा लिखते हैं बेटा, फिर आपको समझा रहे हैं एग्जाम्पल देखे बेटा, इस पॉइंट को जरा नोट करते हैं यहाँ पे, ये हो गया बेटा ऑकर्स व्हेन सेम रिएक्टेंट, क्या होते हैं बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन बेटा सेम नहीं सॉरी सम रिएक्टेंट, क्या होते हैं बच्चों, तो कुछ रिएक्टेंट होते हैं बच्चों एक्सेस अमाउंट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज यूजुअली ऑकर्स व्हेन सम रिएक्टेंट, क्या है बच्चों, ये कुछ रिएक्टेंट बेटा होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं किसमें बच्चों, एक्सेस अमाउंट में, इन किस में बच्चों, हम कहेंगे बच्चों इन एक्सेस अमाउंट में बेटा वो क्या होते हैं बच्चों, प्रेजेंट होते हैं। तो हम बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं कि सो कंसंट्रेशन ऑफ, हम क्या कहेंगे बच्चों, सो कंसंट्रेशन ऑफ बेटा हम यहाँ पे कहेंगे एक्सेस अमाउंट रिएक्टेंट, क्या होते हैं बच्चों यहाँ पे, जो रिएक्टेंट होते हैं बच्चों, इज नॉट अफेक्टेड द इज नॉट बेटा हम कहेंगे यहाँ पे इज नॉट अफेक्टेड, तो बच्चों ये नॉट अफेक्टेड क्या होंगे बच्चों, हम कहेंगे बेटा यहाँ पे मच इन बच्चों कहेंगे यहाँ पे रिएक्शन, ठीक है बेटा। अब बच्चों ये कहेंगे सो फॉर द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ दिज एक्सेस अमाउंट, ये सब ध्यान रखना है आपको। तो बच्चों हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं सो फॉर दिज रिएक्शन, बेटा इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये, इसको आपको ध्यान से समझना है, फॉर दिज रिएक्शन बच्चों हम बेटा कहेंगे सो फॉर दिज रिएक्शन रेट्स, क्या कहेंगे बच्चों, रेट्स डज नॉट डिपेंड, क्या कहेंगे बच्चों, डज नॉट बेटा लिखेंगे डिपेंड, क्या लिखेंगे बच्चों, ऑन कंसंट्रेशन ऑफ दिज एक्सेस रिएक्टेंट ऑफ दिज बच्चों एक्सेस रिएक्टेंट है ना बच्चों, ऑफ दिज एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है। तो हेंस ऑर्डर ऑफ इवेंटली क्या हो जाए बच्चों, लोअर्ड होगा, हेंस कहेंगे बच्चों ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, इविडेंटली क्या हो गया बेटा, हम कहेंगे यहाँ पे ये बच्चों हो जाएगा लोअर्ड। तो बच्चों हमने क्या कहा आपसे, हमने यही कहा आपसे
कि बेटा ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो सूडो ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं बेटा, ये रिएक्शंस क्या होते हैं, विच अपीयर्स बेटा क्या होते हैं, हायर ऑर्डर, लेकिन एक्चुअली बेटा बिहेव किसकी तरह करेंगे बेटा, ये लो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, लो ऑर्डर कर लीजिए या फर्स्ट ऑर्डर, तो बेटा ये कुछ और शो करेंगे, तो इसे बच्चों कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब बेटा बात यहाँ आती है कि दिस इज यूजली ऑकर्स इन विच द सम रिएक्टेंट, क्या होते हैं, कुछ बच्चों रिएक्टेंट होते हैं बेटा जो एक्सेस अमाउंट में प्रजेंट होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ एक्सेस अमाउंट बेटा प्रजेंट होंगे, एक्सेस अमाउंट में रिएक्टेंट है ना बच्चों, लेकिन बेटा उनका कंसंट्रेशन पे है, सो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, सो कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ये जो एक्सेस अमाउंट में होते हैं बच्चों, बट नॉट इफेक्टेड द रिएक्शंस, उसके ऊपर रिएक्शंस बेटा कोई वो इफेक्ट नहीं होता है, तो सो फॉर दिज रिएक्शन डज नॉट डिपेंड, हम कहना चाहते हैं कि सो फॉर दिज रिएक्शन रेट बेटा हम यहाँ पे कहेंगे जो रिएक्शन क्रिएट होती है डज नॉट डिपेंड ऑन बेटा किसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, चाहे एक्सेस अमाउंट है, ठीक है बच्चों, तो हेंस ऑर्डर बच्चों हो रहा है यहाँ पे बेटा इन्वेंट्री लोअर्ड। अब बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा, एग्जांपल लेते हैं बच्चों, बच्चों किसका एग्जांपल बेटा हम लेंगे ज़रा, हम बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल किसके लेते हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस ऑफ बेटा एस्टर, तो बच्चों हम यहाँ लेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ बेटा हम किसका लेंगे बच्चों, ऑफ एस्टर्स, हम बच्चों हाइड्रोलिसिस ऑफ बेटा एस्टर्स की बच्चों हम बात आज करेंगे, चलिए हाइड्रोलिसिस ऑफ बेटा हम बच्चों हम क्या लेते हैं बेटा यहाँ पे एस्टर्स, ये बच्चों इसे हम ये आर, ये बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों इंडिकेट करते हैं, तो बच्चों ये आर आर होता है बच्चों, ये हाइड्रोकार्बन की चेयर होती है बच्चों, ये होता है बेटा आपका एस्टर, ठीक है बच्चों, ये बच्चों होता है एसिडिक मीडियम में, किस में होता है बच्चों हम बात करेंगे बच्चों, ये होता है बच्चों एसिडिक बेटा हम किस में बात करेंगे बच्चों, ये होता है बच्चों एसिडिक मीडियम में, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया कि इथाइल एसीटेट हम ले सकते हैं बच्चों, तो चलिए बेटा हम इसको कहते हैं बेटा यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में क्या करेंगे बेटा, ये कुछ पॉइंट हैं यहाँ बच्चों लिख कर रहे हैं कि इथाइल बेटा हम क्या लेंगे अभी एसीटेट, हमने लिया इथाइल एसीटेट अपान बेटा हमने क्या करा यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, क्या करा है बच्चों हाइड्रोलिसिस आप बच्चों इन एक्वस सोलूशन में, किस में बच्चों हमने कराया किस में, इन एक्वस बच्चों हमने सोलूशन में, ठीक है बेटा। यूजिंग बेटा हम इसमें क्या कर रहे हैं मिनरल एसिड्स, हम बच्चों दो चीज़ इसमें यूज कर रहे हैं, क्या बच्चों यूज कर रहे हैं, यूजिंग बेटा हम लिखेंगे मिनरल्स एसिड, क्या करेंगे बच्चों हम लेंगे यहाँ पे बेटा मिनरल, अब बच्चों हम लेंगे एसिड, अब बच्चों एंड लेंगे हम यहाँ पे इथाइल बेटा हम लेंगे क्या लेंगे बच्चों एल्कोहल, देखिए हम दो बच्चों हमने दो चीज़ें ली हैं, एक तो लिया बेटा हमने यहाँ मिनरल एसिड्स, अब बच्चों दूसरा हमने क्या लिया बच्चों इथाइल एल्कोहल, ठीक है ना बच्चों, ये बेटा दो चीज़ें बच्चों हमने ली है मिनरल एसिड और इथाइल एल्कोहल, ठीक है बेटा। अब बच्चों यहाँ पे हमने देखना है कि लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर क्या है बच्चों, हम यहाँ पे हम यूज करेंगे, क्या करेंगे बच्चों यहाँ बेटा हम लिखेंगे कि लार्ज बेटा हम लिखेंगे एक्सेस, क्या बच्चों लिखेंगे लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर बच्चों हम यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे बेटा हम यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमने बेटा ले लिया यहाँ पे CH3, अब बेटा हमने ले लिया CH3 COO, अब बेटा हमने ले लिया C2H5, ये बच्चों हमने ले लिया बेटा H2O, ठीक है बेटा, ये बच्चों एसिडिक मीडियम में है बेटा, ये बेटा हमने ले लिया H+, तो बच्चों ये क्या बन गया बेटा CH3 COOH बन गया बच्चों, ऐसे कहीं एसिटिक एसिड हो गया बेटा, ये क्या हो गया बच्चों C2, अब बेटा लिखेंगे H5, अब बच्चों हमने क्या ले लिया ये OH यानी हमने एथेनॉल ले लिया, एल्कोहल ले लिया, ठीक है बेटा। अब बेटा ये शो तो करता है बच्चों सेकेंड ऑर्डर, अब बच्चों को हम रेट लिखते हैं बेटा यहाँ पे, तो रेट क्या करेगा बच्चों ये हो जाएगा बेटा आपका क्या होगा बच्चों CH3 COO बेटा, ये हो गया C2H5 के बेटा, और ये हो गया बच्चों ये H2O यानी ये हो गया बेटा, हम इसकी बात करेंगे बेटा ये हो गया, और इसकी बच्चों बात करेंगे बेटा ये हो गया आपका एक्सेस अमाउंट में ये है, ठीक है बच्चों, तो ये बेटा एक्सेस अमाउंट में बेटा आपका ये है, ठीक है बेटा। तो यहाँ बच्चों हमने लिया H2, अब बच्चों हमने लिया O, तो बेटा ऑर्डर यहाँ क्या करता है 2 शो करता है,
कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब बेटा हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि वाटर इज क्या है बच्चों, इज इन क्या है बेटा, एक्सेस। वाटर क्या है बच्चों, इज इन एक्सेस। देन इट्स कंसंट्रेशन रिमेन क्या होगा, हम कहेंगे देन बच्चों इट्स बेटा कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन रिमेन बेटा क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अरे भाई मान लीजिए आप रिमेन कॉन्स्टेंट होगा बेटा ड्यूरिंग क्या होगा द रिएक्शन, ड्यूरिंग बेटा क्या हुआ बच्चों द रिएक्शन है ना बेटा। अगर मान लीजिए बेटा हम यहाँ पे समुद्र का पानी लेते हैं, इतना कंसंट्रेटेड है, उसमें से हम थोड़ा सा यहाँ बेटा हमने इस वाटर को इसमें ले लिया, तो क्या इसके ऊपर कंसंट्रेशन पे कोई फ़र्क होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा बेटा, बिल्कुल उसी तरह होगा। हम निकाल लिया कोई कंसंट्रेशन उतना ही होगा, कॉन्स्टेंट ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम कंसंट्रेशन निकाल लिया इसमें थोड़ा सा तो इसका कंसंट्रेशन कम हो गया, ऐसा नहीं होगा बेटा, तो कॉमन नहीं होगा बेटा। तो यहाँ बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा कि वाटर इज एक्सेस इफ़ कंसंट्रेशन ड्यूरिंग रिएक्शन, तो बच्चों क्या कहेंगे एंड हम क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड H2O हमने लिया है बेटा, यहाँ पे वाटर लिया है बेटा इज टेकन, तो फिर भी क्या रहा है बच्चों कंसंट्रेशन बेटा वो एज ए बेटा क्या होता है बेटा ये कॉन्स्टेंट। तो वाटर क्या हो जाता है बच्चों यहाँ बेटा ये हो जाता है ये कॉन्स्टेंट, ये बेटा क्या हो जाता है बच्चों इसकी बात कर रहे हैं बेटा हो गया आपका यहाँ पे कॉन्स्टेंट। तो बच्चों हम देयर फोर रेट ऑफ रिएक्शन बेटा क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा देयर फोर रेट ऑफ बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन रेट, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे रेट ही लिख लीजिए। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा रेट क्या हो जाएगा बच्चों के डैश, अब बच्चों ये हो गया बेटा सी एच थ्री, ये हो गया बच्चों ओ एच सॉरी सी एच थ्री, ये बच्चों सी एच थ्री सी ओ ओ, अब बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे सी टू, अब बेटा लिखेंगे एच और फाइव, ठीक है बच्चों। तो एक्चुअली बिहेव बच्चों ये किस तरह बिहेव कर रहा है बच्चों ये रिएक्शन, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ बेटा हम रिएक्शन की बात करेंगे, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ बेटा रिएक्शन क्या हो गया बच्चों, ये हो गया बेटा हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर, क्या कहेंगे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर, एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन बेटा हो गया ये क्या हो गया बेटा फर्स्ट ऑर्डर। अब देखिए बच्चों शुरू में क्या कर रहा था ये बेटा, ये क्या कर रहा था सेकेंड ऑर्डर, ये क्या कर रहा था बच्चों ये सेकेंड ऑर्डर है ना, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन क्या है ये सेकेंड ऑर्डर, ये सूडो, सूडो का मतलब वही धोखा देना, हम धोखा खा गए ना हम लोग। शुरू में हमें लगा कि अरे भाई रिएक्शन तो सेकेंड ऑर्डर का है, लेकिन एक्चुअल जब हम इसमें डिटेल में गए तो पता चला कि नहीं ये तो रिएक्शन क्या है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है बेटा आज बेटा हम यहीं पर रखते हैं क्योंकि वीडियो बेटा काफ़ी बड़ा बन गया है बच्चों, फिर बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे आगे बेटा हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है ना बच्चों। एक चीज़ बेटा यहाँ पे हम लिख देते हैं, भूल गए थोड़ा, सो रेट विल भी क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सेस रिएक्शन, तो बेटा यहाँ पे लिख देते हैं सो बेटा यहाँ पे लिखेंगे सो बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं सो बेटा लिखेंगे रेट विल भी क्या होगा बच्चों यहाँ पे बच्चों लिखेंगे इंडिपेंडेंट, क्या लिखेंगे बच्चों इंडिपेंडेंट है ना ऑफ एक्सेस रिएजेंट, ऑफ एक्सेस बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों रिएजेंट रिएक्टेंट, क्या लिखेंगे बच्चों एक्सेस बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे रिएक्टेंट, ठीक है ना बेटा। तो ये ध्यान रखिए, ये देखिए आपका एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर क्या है बच्चों एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा क्या हो गया ये फर्स्ट ऑर्डर है ना। तो ये हमारा रिएक्शन जो एक्चुअल क्या कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर बेटा यहाँ पे शो कर रहा है, जबकि यहाँ पे शुरू में क्या कर रहा है ये सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। चलिए बेटा अब हम इस लेक्चर पे बेटा यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिर बच्चों हम इसे आगे बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे।